Hi students, my name is Arif Malik and you people are watching my channel Arif Biology. Today in this topic we are going to discuss the photo morphogenesis. Photo morphogenesis आज हम पढ़ेंगे जो कि एक important topic है BSc, MSc and CSIR NET के लिए. So पहले हम understand कर लेते हैं what is photo morphogenesis actually. फोटोमॉर्फोजेनेसिस. सो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता क्या है? जैसे कि आपने सुना है, सपोज कोई प्लांट है, ये प्लांट ग्रो कर रहा है. आपको पता है इसके लिए सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्या? सनलाइट. क्योंकि हमने यूजुअली सुना है क्योंकि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना, इतना कुछ हमने सुना है. इस टाइम में हमने सुना है प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस. सो हम क्या कहते हैं, लाइट इज वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस, बट इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. रिमेंबर, ये जो सनलाइट है यहाँ पर बच्चे, ये सिर्फ इतने नहीं है कि प्लांट इससे ग्रोथ करे, फोटोसिंथेसिस करे, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ, आल्सो ग्रोथ जो हो रही है, बाकी ग्रोथ जो हो रही है प्लांट की, ठीक है ना, डेवलपमेंट प्लांट की, उसमें भी ये ग्रेट रोल प्ले करती है. क्या? ये लाइट. ठीक है ना. सो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, सो फोटो मॉर्फोजेनेसिस अब क्या होता है, द लाइट मीडिएटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फोटो मॉर्फोजेनेसिस. मीन्स जो प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है ना, ये लाइट पर डिपेंडेंट होती है, इट्स डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, ठीक है ना, अदर देन द फोटोसिंथेसिस. जो कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रही है, इसके अलावा प्लांट की जो ऑल्सो डेवलपमेंट होनी है, वो भी रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, वो भी रेस्पॉन्सिबल होती है या डिपेंडेंट होती है किस पर, लाइट पर. इसे हम क्या कहते हैं, फोटो मॉर्फोजेनेसिस. फोटो मीन्स लाइट, जैसे आपको पता है. मॉर्फोजेनेसिस मीन्स जो कि मॉर्फोजेनेसिस मीन ऑर्गन फॉर्मेशन जो प्लांट में होती है, ये भी किस पर डिपेंडेंट होती है, लाइट पर. इसे हम क्या कहते हैं, फोटो मॉर्फोजेनेसिस. अगर मैं आपको यही बात एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो ऐसे सपोज यहाँ पर एक प्लांट है जो कि डार्क में ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, एंड यहाँ पर क्या है, लाइट है. सपोज एक तरफ डार्क है, दूसरे पास लाइट है, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो हो रहे हैं. सपोज ये कोई प्लांट है, ये प्लांट कुछ इस तरह से है, एंड यहां पर भी और एक प्लांट है, ये प्लांट कुछ इस तरह है. सो आपको क्या डिफरेंस लग रही है इस प्लांट, जो फर्स्ट प्लांट है एंड सेकंड प्लांट है, जो कि एक डार्क में ग्रो हो रहा है एंड एक लाइट में ग्रो हो रहा है. डिफरेंस ये है कि अगर हमने यहां पर देखना है, पहले अगर हम रूट्स की बात कर लें, इस पोर्शन पे यहां पर रिड्यूस्ड रूट नजर आ रहे होंगे आपको, रिड्यूस्ड रूट्स. इसी तरह अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा, इलांगेटेड हाइपोकोटाइल, इलांगेटेड हाइपोकोटाइल. दूसरी बात, अगर हम यहां पर देखें तो एपेक्स पर नजर डालें तो हमें यहां पर एपिकल हुक नजर आ रही है, एपिकल हुक. दूसरी बात और क्या है, ये एंड क्लोज्ड भी है ये, प्लस अनएक्सपेंडेड कॉटलिडन्स है. कॉटलिडन्स जो है यहां पर
अनएक्सपेंडेड है, अनएक्सपेंडेड कॉटलिडन्स। ये हमें कुछ नजर आ रहा है इस प्लांट पे जो कि ग्रो हो रहा है इन डार्क। ऑन द अदर हैंड वो है प्लांट विच इज ग्रोइंग इन लाइट, जिसको हम लाइट दे रहे हैं। इस प्लांट में क्या कुछ ऐसा ग्रो हो रहा है इससे ज्यादा? अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सटेंसिव रूट डेवलपमेंट पहले ही है, एक्सटेंसिव रूट डेवलपमेंट। द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये हाइपोकोटाइल जो है एज कंपेयर टू दिस प्लांट, ये शॉर्ट है, शॉर्ट हाइपोकोटाइल यहाँ हमें नजर आ रहा है। ऑल्सो अगर हम यहाँ अब देखें, यहाँ पर अगर हम इस प्लांट पे देखें तो एपिकल हुक फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर क्या है, नो, यहाँ पर नो हुक फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई भी हुक की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या है, ओपन एंड एक्सपेंडेड हमको यहाँ पर ये कॉटलेडन्स नजर आ रहे हैं, ओपन प्लस एक्सपेंडेड प्लस ग्रीन, ये ग्रीन भी होंगे कॉटलेडन्स, ठीक है ना। अब सिंपली आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, इस प्लांट में अगर आप देखो तो टिपिकल हुक फॉर्मेशन हो रही है, क्लोज्ड कॉटलेडन्स हमें अनएक्सपेंडेड है ये, यहाँ पर प्लांट जो है इलांगेटेड है, रूट जो है रिड्यूस्ड है, एंड हियर द प्लांट इज ग्रोइंग, रूट्स आर ग्रोइंग एक्सटेंसिवली एंड शॉर्ट हाइपोकोटाइल प्लस नो हुक फॉर्मेशन, ऑल्सो ओपन एक्सपेंडेड एंड ग्रीन कॉटलेडन्स। अब ये सब फिनोमेना होता कैसे है? अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ तो यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर हम सिंपली फिर कह सकते हैं यहाँ पर इटियोलेटेड सीडलिंग्स हैं, इटियोलेटेड सीडलिंग्स, ठीक है ना। यहाँ पर इटियोलेटेड मतलब ये ग्रो हो रहे हैं इन इन डार्क, डार्क में ये क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ये सीड डार्क में ग्रो हो रहा था। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस प्लांट में देखें तो इस प्लांट में क्या है, ये लाइट में ग्रो हो रहा था, ये हमें पता ही है। सो इस इटियोलेटेड सीडलिंग्स को हम इसमें तब्दील कर सकते हैं, दैट जिसमें शॉर्ट हाइपोकोटाइल हो, एक्सटेंसिव रूट्स हो, हुक फॉर्मेशन ना हो, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक प्रोसेस करनी है जिसको हम कहते हैं डी इटियोलेशन, हम इस प्लांट को क्या करवाएंगे, डी इटियोलेशन। डी इटियोलेशन मीन्स हम इसको लाइट देंगे, हम इसको इस प्लांट को लाइट, इस सीडलिंग्स को लाइट में ग्रो करेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, फोटोमॉर्फोजेनिक सीडलिंग हमें यहां मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फोटोमॉर्फोजेनिक सीडलिंग, हमें यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनिक सीडलिंग मिल जाएगा। यही फिनामिना है या यही ब्यूटी है किसकी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, मीन्स ये सब कुछ हमें हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। अब ये जो लाइट में ग्रो हो रही है, ग्रोथ इन लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ऑल्सो यहां पर जो डार्क में ग्रो हो रही है, डार्क ग्राउथ इन डार्क, ग्राउथ इन डार्क, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चे स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्लांट में ये लाइट का रिसेप्शन हो रहा है, मीन्स ये जो लाइट आ रही है किसी सोर्स से, इसको जो रिसेप्ट कर रहा है, वो रिसेप्टर्स प्लांट में होते हैं कुछ टाइप्स के, वो हम देखते हैं क्या होते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फोटो रिसेप्टर्स
फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स? यूजुअली हम यहां पर कितने देखते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं यूजुअली, थ्री टाइप्स यूजुअली। उनमें से अगर हम देखें तो कौन कौन से फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो फर्स्ट वाला हमें यहां पर होता है उसे हम कहते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या है बेटा? ये फर्स्ट, ये जो फोटो रिसेप्टर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? फाइटोक्रोम। सेकंड अगर यहां पर हम देखें तो हमारे पास है फोटोट्रॉपेन। फोटोट्रॉपिन। थर्ड हमारे पास और एक फोटो रिसेप्टर है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम हमारे पास रिसेंट स्टडीज के मुताबिक हमारे पास और दो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पास इस तरह फोर्थ फोटो रिसेप्टर बनता है जिसे हम कहते हैं जिटल्यू फैमिली प्रोटीन। जिटल्यू फैमिली प्रोटीन। और एक भी हमारे पास फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं जो कि रिसेंट स्टडी के मुताबिक हैं, उसे हम कहते हैं यूवीआरपी। यूवीआरबी लोकस, ठीक है ना? ये हमारे पास है फोटो रिसेप्टर्स। आज हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे वो है फाइटोक्रोम, ठीक है ना? यहां पर अगर मैं आपको फाइटोक्रोम पहले बोलूं, ये फाइटोक्रोम जो होता है ये रेड लाइट रिसेप्टर होता है, ये रेड लाइट को रिसेप्ट करता है, रेड लाइट रिसेप्टर। इसी तरह जो हमारे पास फोटोट्रॉपिन होता है, फोटोट्रॉपिन एक ब्लू लाइट रिसेप्टर होता है। इसी तरह हमारे पास है क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम जो है ये भी क्या है? ब्लू लाइट रिसेप्टर होता है, ये भी ब्लू लाइट रिसेप्ट करता है। एंड जो मैंने आपको ये बताया जिटल्यू फैमिली प्रोटीन, ये भी ब्लू लाइट को ही रिसेप्ट करता है, ठीक है ना? लेकिन इनमें से अगर आपको क्वेश्चन आए कौन सा फोटो रिसेप्टर ऐसा है जो कि सिर्फ या प्योरली ब्लू लाइट को रिसेप्ट करता है या रिसीव करता है, वो है क्रिप्टोक्रोम। रिमेंबर, ये जो क्रिप्टोक्रोम होता है ये इम्पॉर्टेंट ऐसा फोटो रिसेप्टर है जो कि प्योर ब्लू लाइट को रिसीव करता है। सपोज यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रम है लाइट का, ये वेवलेंथ दी है यहाँ पर, ये जो क्रिप्टोक्रोम है, फाइटो फोटोट्रॉपिन है या जिटल्यू फैमिली जो है, मैंने आपको ये बताया ये ब्लू लाइट को रिसीव करते हैं। आल्सो ये जो मैंने आपको बताया फाइटोक्रोम है ये रेड एंड फार रेड लाइट को रिसीव करता है, जो कि इसका स्पेक्ट्रम बिटवीन 700 टू 720 होगा। लेट्स डिस्कस हियर द फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के बारे में हम फर्स्ट पहले जान लेते हैं इसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी साइंटिस्ट ने, जिसे हम कहते हैं स्टर्लिंग हेंड्रिक्स। स्टर्लिंग हेंड्रिक्स प्लस और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हैरी ब्रोथविक। हैरी Brothwick. These were the two scientists who discovered this phytochrome pigment. ठीक है ना? ये फर्स्ट है इसकी डिस्कवरी। सेकेंड जो हम यहां पर देखते हैं दैट्स लोकेशन। ये लोकेशन अगर हम फाइटोक्रोम की देखें तो इसकी लोकेशन जो हमें
मिलती हैं वो हैं साइटोसॉल। ये हमें साइटोसॉल में पाया जाता है। सिंपली वी कैन से फाइटोक्रोम्स आर साइटोसॉलिक इन नेचर, दे आर मोस्टली फाउंड इन साइटोसॉल। किन किन ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन प्लांट्स, प्लस ये हमको दिखते हैं सीवरल बैक्टीरिया ग्रुप्स। सीवरल बैक्टीरिया ग्रुप्स में भी हमें ये दिखेंगे, ऑल्सो ये हमें दिखेंगे सम फंजाइज में, सम फंजाई में भी हमें ये दिखेंगे। कौन से? फाइटोक्रोम। दूसरी बात जो मैं फाइटोक्रोम्स के बारे में यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि फाइटोक्रोम्स आर सॉलेबल प्रोटीन्स। फाइटोक्रोम क्या होते हैं? फाइटोक्रोम्स आर सॉलेबल प्रोटीन्स। ये सॉलेबल प्रोटीन होते हैं बच्चे। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। सो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम फाइटोक्रोम का देखें तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? इट्स अ डाइमरिक स्ट्रक्चर। ये एक डाइमरिक स्ट्रक्चर होता है। फाइटोक्रोम इज अ डाइमरिक स्ट्रक्चर। कंसिस्टस ऑफ, ये बना होता है कंसिस्टस ऑफ टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स। ये टू आइडेंटिकल सब यूनिट से बना होता है, लेकिन याद रखना ईच सब यूनिट कंसिस्टस ऑफ, ईच सब यूनिट कंसिस्टस ऑफ प्रोटीन, कंसिस्टस ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोप्रोटीन एंड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट ये लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फाइटोक्रोमोबिलिन। इंपॉर्टेंट अब याद क्या रखोगे आप, ये जो फाइटोक्रोम होता है ये डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है। डायमेरिक स्ट्रक्चर मीन्स मैं आपको ये आगे समझा दूंगा। दूसरी बात जो यहां पर है फाइटोक्रोम के बारे में, ये डायमेरिक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स। इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना, मीन्स वन सब यूनिट्स एंड और एक सब यूनिट्स होगा, वो सब यूनिट्स हम देखेंगे अभी। लेकिन ये जो सिंगल सब यूनिट होता है, सपोज ये फर्स्ट सब यूनिट, ये खुद बना हुआ होता है ऐसे ही, ये बना हुआ होता है टू दैट इज सब यूनिट्स का। एक को हम क्या कहते हैं, एपोप्रोटीन, एंड दूसरा क्या होता है, फाइटोक्रोमोबिलिन, ठीक है ना। पहले अगर हम इसी पिगमेंट को डिस्कस करें, ये जो फाइटोक्रोमोबिलिन होता है इसके बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो फाइटोक्रोमोबिलिन होता है पिगमेंट, कौन सा, फाइटो क्रोमोबिलिन। ये जो फाइटोक्रोमोबिलिन होता है ये रेड एंड फार रेड लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब किसे करता है, रेड एंड फार रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। ये कौन सा है, ये जो पिगमेंट इसमें होता है, ठीक है ना, फाइटोक्रोमोबिलिन। दूसरा जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे अब वो है एपोप्रोटीन। एक बात मैं आपको यहां पर बोलना भूल गया था, फाइटोक्रोम के फाइटोक्रोमोबिलिन जो होता है ये एक लीनियर टेट्रा पायरोलिक स्ट्रक्चर होता है। ये एक लीनियर टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे पायरोल रिंग्स होती हैं, इसी तरह चार पायरोल रिंग्स यहां पर क्या होती हैं, ठीक है ना,
इसी तरह ओरेग यहाँ पर होगी, ओरेग यहाँ पर होगी, ओरेग यहाँ पर होगी, दैट्स फोर पायरल रिंग्स इसमें होंगी। लीनियर टेट्रा पायलोरिक स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा, ये फाइटोक्रोमोबिलिन, ठीक है ना। एंड ये क्या एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड फार रेड लाइट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और एक पार्ट जो होता है यहाँ पर, एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एपोप्रोटीन क्या होता है। अगर मैं पहले आपको 1-2 सेकंड में ये बोल दूं, एपोप्रोटीन क्या होता है, एपोप्रोटीन होता है एप्रोटीन विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एपोप्रोटीन, जिसके पास जो होता है विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। अभी प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये होता है नॉन अमाइनो एसिड, नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट, ठीक है ना। ये नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट जो होता है, या हम इसे कह सकते हैं और कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, ये किसके साथ अटैच जब हो जाता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये यूजुअली प्रोटीन के साथ अटैच रहता है, ठीक है ना, दैट्स एपो प्रोटीन। जब इस प्रोटीन के साथ ये कंजुगेटेड प्रोटीन जब, या ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जब किसी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉलो प्रोटीन। ये पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एपो प्रोटीन क्या है, ये वो प्रोटीन है जिसे हम सिंपली कह सकते हैं, अ प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एन एपो प्रोटीन, ठीक है ना। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, इट्स ए नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट, ठीक है ना, और हम इसे क्या कह सकते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। जब ये कवलेंटली लिंक्ड हो जाता है इस एपो प्रोटीन के साथ, ठीक है ना, फिर इसको हम क्या कहते हैं, हॉलो प्रोटीन। समझ में आ गया। अब यही हम एपो प्रोटीन पढ़ेंगे। ये एपो प्रोटीन यहाँ पर ये जो है ये क्या होता है, जो कि दूसरा पार्ट होता है किसके साथ, फाइटोक्रोम के साथ। अब हम देखते हैं एपो प्रोटीन, ये जो एपो प्रोटीन होता है, पहले अगर मैं आपको इसके बारे में फर्स्ट वर्ड बोलूं यहाँ पर, ये क्या है, ये एपो प्रोटीन जो होता है ये एक सिंगल पॉली पेप्टाइड का बना हुआ था, इसमें क्या होती है, सिंगल पॉली पेप्टाइड। दूसरा पॉइंट, इसके पास टू सॉरी थ्री डोमेन्स होते हैं, कितने इसके पास, कितने होते हैं, थ्री डोमेन्स, इसके पास डोमेन्स कितने होंगे, थ्री डोमेन। कौन कौन सा होगा, एक तो होगा जिसको हम कहेंगे एन, एंड दूसरा क्या होगा, सी। तीसरा डोमेन जो होता है इसको हम कहते हैं हिंगे रीजन या हिंज रीजन। थ्री डोमेन्स में एक है एन टर्मिनल, दूसरा है सी टर्मिनल, एंड तीसरा है हिंगे रीजन। थ्री डोमेन्स में ये डिवाइड हुआ होता है, एंड ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। ये हिंगे रीजन क्या है, ये हिंगे रीजन इस एन टर्मिनल को इस सी टर्मिनल के साथ फर्दर डिवाइड कर देता है, सॉरी कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये हिंगे रीजन एन एंड सी टर्मिनल को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। लेकिन अब ये जो एन टर्मिनल रीजन होता है, ठीक है ना, ये फर्दर थ्री डोमेन्स में डिवाइड हुआ होता है। इसी तरह ये जो सी टर्मिनल है ये टू डोमेन्स में डिवाइड हुआ होता है, इसके फर्दर होते हैं टू डोमेन्स, इसके फर्दर होते हैं बच्चा थ्री डोमेन्स। एक होता है पी ए एस, दूसरा होता है गैस डोमेन, दूसरा होता है पाई डोमेन, ठीक है ना, पाई डोमेन। इसी तरह इसके पास टू डोमेन्स होते हैं, एक होता है पी आर डी एंड पी आर डी डोमेन, ये सेम दोनों ही होते हैं इसीलिए इनको हम एक ही डोमेन कंसिडर करते हैं। एंड ये एच के आर डी, दैट इज हिस्टीन हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड डोमेन्स जो होते हैं, एंड ये एक डोमेन होता है, मीन इसके भी फर्दर दो डोमेन्स होते हैं। ये एपो प्रोटीन अब कितने डोमेन्स में होता है, टू थ्री डोमेन्स में, दैट इज हाफ एन एंड हाफ सी रीजन एंड दैट इज हिंगे रीजन थर्ड डोमेन, इन थ्री डोमेन्स में ये अब डिवाइड हुआ होता है। लेकिन ये जो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, दैट्स एन डोमेन एंड सी डोमेन्स होते हैं,
ये हाफ होते हैं, ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, हाफ डोमेन्स। रिमेंबर, याद रखना, इनको हम कंसिडर करते हैं हाफ डोमेन्स। अब ये जो एंड टर्मिनल के पास, दैट्स एंड एंड डोमेन के पास, ये थ्री डोमेन्स फर्दर होते हैं, इनकी क्या फंक्शंस होते हैं? ये जो फर्स्टली पास एंड गैफ डोमेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, बाइंड्स, ये बाइंड होते हैं, बाइंड्स दी क्रोमोफोर, क्रोमोफोर, दैट्स जो हमने पिगमेंट पढ़ा था फाइटोक्रोमोबिलिन, उसी के साथ ये बाइंड करते हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्पेशली कौन सा बॉन्ड, ईथर, ईथर बॉन्ड होता है इनमें, ईथर ईथर बॉन्ड के थ्रू ये बाइंड हो जाते हैं पैस एंड गैफ रीजन के साथ। इसी तरह जो फाई रीजन होता है, ये क्या करता है, फाई डोमेन स्टेबलाइज द फाइटोक्रोम इन पीएफआर फॉर्म। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज द फाइटोक्रोम, जो हम आगे पढ़ेंगे फाइटोक्रोम किसमें, इन पीएफआर फॉर्म, दैट्स पीएफआर फॉर्म, ये हम पीएफआर फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। इसी तरह और एक बात मैं अब इन एंड डोमेन के बारे में आपको फाइनल बात जो बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, दैट इज ये क्या होते हैं, ये फोटो सेंसरी रीजन कंसिडर किए जाते हैं। ऐसे मैं लिखूं, पास कामा गैफ एंड फाई डोमेन्स क्या होते हैं, कंप्राइजेस फोटो सेंसरी रीजन ऑफ फाइटोक्रोम। ठीक है ना, ये जो ये थ्री डोमेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोटोसेंसरी रीजन बनाते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन आए फाइटोक्रोम में कौन सा डोमेन होता है जो कि फोटोसेंसरी होता है, सिंपल आंसर है इसका एंड डोमेन, ठीक है ना, फोटोसेंसरी नेचर होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास कौन सा डोमेन्स है, दैट इज सी डोमेन। सी डोमेन फर्दर मैंने बताया आपको टू डोमेन्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है ना। एक तो होते हैं टू पास रिलेटेड डोमेन, जिन्हें हम कहते हैं पी आर डी रीजन। ये पी आर डी रीजन क्या करते हैं, ये डाइमराइजेशन करवाते हैं। डाइमराइजेशन क्या होती है वो मैं आपको अभी बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो एपो प्रोटीन होता है ये डाइमर होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा इसका स्ट्रक्चर ही अहम है, तो स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट समझना है। ये क्या करते हैं, डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैसे करेंगे। डाइमराइजेशन मीन्स एक डोमेन को, दैट इज एक एपोप्रोटीन के पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करवा देगी, ठीक है ना। ये एक तो डाइमराइजेशन में काम करेंगे, दैट एक तो ये डाइमराइजेशन करवाएंगे, प्लस इसके पास और एक सिक्वेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सिक्वेंस। ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सिक्वेंस क्या होती हैं, या न्यूक्लियर टारगेटिंग क्या होती हैं, यही इसे टारगेट करेगा कौन, इस एपोप्रोटीन को इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली हमें ये कहाँ पर मिलता है, साइटोसॉल में। इसी तरह और एक डोमेन जो होता है, इसके पास हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड जो होती है एक्टिविटी होती है, वो किस डोमेन के पास होती है, वो सी डोमेन के पास होती है, ठीक है ना। सी डोमेन के किस डोमेन में, दैट इज हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड डोमेन में। एंड ये जो पार्ट्स हैं पी आर डी डोमेन जो होते हैं, इनके पास कोई भी हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड डोमेन नहीं होते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, ये डाइमेरिक स्ट्रक्चर है, डाइमेरिक स्ट्रक्चर, जो मैं आपको कह रहा था डाइमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एपो प्रोटीन। एपो प्रोटीन का ये जो डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब ये डाइमेरिक जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको कहा था ये जो पी आर डी रीजन है ये डाइमराइजेशन करवाता है,
ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने डाइमराइजेशन की है, ठीक है ना। मीन्स एक पार्ट को, दैट्स एक यूनिट को दूसरे यूनिट से कनेक्ट किया है। ये अगेन हिंगे रीजन है, एंड ये एंड टर्मिनल है इसका, ये सी टर्मिनल, ये इसका सी टर्मिनल, ये एंड टर्मिनल। अब ऐसे ये जो पैस एंड गैफ रीजन्स हैं जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, दैट्स यहाँ पर ये दो रीजन, इनके साथ मैंने बताया था क्या कनेक्ट होगा। इनके साथ अब कनेक्ट होगा, मान लो ये क्या है, फाइटोक्रोमोबिलिन, फाइटो क्रोमो बिलिन, वो इन्हीं के साथ ही यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या होता है, थायो ईथर होता है, थायो ईथर लिंकेज होता है इनमें। इसी तरह मैंने ये भी बताया था, ये जो बांड होता है यहाँ पर, ये कौन सा बांड होता है, ये कोवेलेंट बांड होता है, बोला था मैंने। यानी पी आर डी रीजन्स क्या करवाते हैं, ये एक रीजन को दूसरे के साथ डाइमराइजेशन करवाता है। एंड इनके पास क्या होती है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सुकेनस, जो कि सिग्नल सुकेनस इसे डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। एंड यहाँ पर अब फाइव रीजन बचता है, ये मैंने क्या बताया था, ये स्टेबिलिटी से प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एंड इस रीजन के पास क्या होती है, हिस्टिडीन काइनेस रिलेटेड एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। एंड इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बताया था, इसी स्ट्रक्चर को मैंने बताया था, ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, दैट इज दिस एंड टर्मिनल रीजन, ये क्या होता है, ये होता है फोटो सेंसरी, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो सेंसरी रीजन। फोटो सेंसरी रीजन हम किसको कहते हैं, दैट इज एंड टर्मिनल रीजन को, ठीक है ना। रिमेम्बर, अब आपको समझ में आ गया होगा ये डाइमर स्ट्रक्चर कैसे। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें, ये एपो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल रहा है, अब इसको हम एपो प्रोटीन नहीं, बल्कि अब हम इसे अब क्या कहेंगे, हॉलो प्रोटीन। हॉलो प्रोटीन क्यों कहेंगे, क्योंकि अब इसके साथ ये जो दैट इज फाइटोक्रोमोबिलिन है, उसने भी इसके साथ बाइंड किया है, ठीक है ना। दैट्स इसके साथ अब प्रोस्थेटिक ग्रुप भी आ गया है, इसीलिए अब हम इसे क्या कहेंगे, एपो प्रोटीन, ठीक है ना। ऑल्सो अगर मैं आपको बोलूं, जब क्या होता है, ये क्रोमोफोर जो होता है, ये क्रोमोफोर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। जब ये क्रोमोफोर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद यहाँ पर लिटिल चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है ना। लिटिल चेंजेस आ जाएंगी किसमें, प्रोटीन में। जब प्रोटीन में चेंजेस आ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन होगी यहाँ पर, ठीक है ना। आइसोमराइजेशन होने के बाद क्या होगी, इसके बाद ये क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा रेस्पॉन्स, ठीक है ना। ये क्या इनिशिएट करेगा, ये इनिशिएट करेगा रेस्पॉन्स को। ये जो एंड टर्मिनल रीजन मैंने आपको बताया, एंड टर्मिनल रीजन होता है, ये एंड टर्मिनल रीजन क्या करेगा, ये लाइट को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या होगा, ये सिग्नल सेंड करेगा, सिग्नल जाएंगे किसके पास बच्चे, सी टर्मिनल के पास। जब सी टर्मिनल के पास ये सिग्नल पहुंचेंगे, ठीक है ना, अब क्या होगा, ये सी टर्मिनल इसे ट्रांसमिशन करेंगे या सेंड करेंगे। ये सी टर्मिनल रीजन ट्रांसमिशन करेगा किनकी, ट्रांसमिशन ऑफ फोटो सेंसरी सिग्नल्स। ये जो फोटो सेंसरी सिग्नल इसे मिली सी टर्मिनल रीजन को, ये उसे ट्रांसमिशन करेगा थ्रू ए ट्रांसडक्शन पाथवे। किस पाथवे के थ्रू, थ्रू ए ट्रांसडक्शन पाथवे, ट्रांसडक्शन पाथवे।
सो याद रखना, एंड टर्मिनल रीजन रिसीव करेगा लाइट को, ये सिग्नल सेंड करेगा, वो फिर सी टर्मिनल से रिसीव करेगा, सी टर्मिनल इसे फिर इन फोटो सेंसरी सिग्नल, फोटो सेंसरी सिग्नल में जो इसे लाइट के थ्रू जो सिग्नल इन्हें मिली है, ठीक है ना, उनको ये ट्रांसमिट दैट्स ट्रांसफर करेगा थ्रू ट्रांसडक्शन पाथवे टू इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है ना। ये कुछ फिनोमेना ऐसे होता है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नोट बोलना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, दैट इज इट हैज बीन सजेस्टेड दैट फाइटोक्रोम और टू फॉस्फोराइलेटिंग सीरीन थीरियोनिन काइनेस। क्या मैंने बोला? ये कंसिडर किए जाते हैं आर टू फॉस्फो राइलेटिंग आर टू फॉस्फो राइलेटिंग सीरीन थीरियोनिन सीरीन थीरियोनिन काइनेज एक्टिविटी इनके पास होती है, आर टू फॉस्फोराइलेटिंग सीरीन थीरियोनिन काइनेज एक्टिविटी इनके पास होती है, ये याद रखना। ऑल्सो और एक पॉइंट जो मैं नोट में आपको बोलना चाहता हूँ, दैट्स फाइटोक्रोम प्रोटीन्स आर एनकोडेड बाय फाइटोक्रोम जीन फैमिली, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम फाई कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है फाई, क्या है जीन फैमिली है जो कि क्या करते हैं एनकोड करते हैं किसको, जो एनकोडेड होते हैं बाय फाइटोक्रोम। कौन कौन से जीन्स होते हैं, दैट इज फाइव मेंबर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें होते हैं फाइ ए टू ई, दैट्स फाइ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना भूल गया था, जो कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर पढ़ाया, ये जो एपोप्रोटीन है, फिर ये हॉलो प्रोटीन बन जाता है, ये डाइमर होता है, लेकिन ये जो एक यूनिट होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 125 किलो डेल्टन्स होता है, एंड इसी तरह इसका भी 125 किलो डेल्टन्स होगा, हेंस ये 300 किलो डेल्टन्स का पूरा मॉलिक्यूलर वेट होगा एक, दैट इज ये जो हमारे पास अब ये एपोप्रोटीन होता था, ठीक है ना। कितना होगा 300 किलो डेल्टन। एंड ये जो डाइमराइजेशन इनके पास यहाँ पर होती थी, ये डाइमराइजेशन फिर भी याद रखना ये क्या होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ही ये एपोप्रोटीन एक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्लासेस होते हैं फाइटोक्रोम्स के, दैट इज डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम्स के डिफरेंट क्लास होते हैं, यूजुअली फाइटोक्रोम्स हैव टू दैट इज टू डिफरेंट क्लासेस, इनके पास टू डिफरेंट क्लासेस होते हैं यूजुअली। फर्स्ट क्लास जो हम यहाँ पर देखें तो वो होता है, फर्स्ट हमें यहाँ पर है टाइप फर्स्ट फाइटोक्रोम, सेकंड है यहाँ पर हमें टाइप सेकंड फाइटोक्रोम। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप फर्स्ट फाइटोक्रोम। टाइप फर्स्ट फाइटोक्रोम जो होता है इट्स एबेंडेंट इन डार्क, एबेंडेंट इन डार्क, ग्राउंड प्लेट्स। फर्स्ट पॉइंट, द टाइप फर्स्ट फाइटोक्रोम इज एबेंडेंट दोज प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द डार्क। सेकेंडली दे मेनली फंक्शन इन डॉक, इजी। थर्ड पॉइंट, दे आर सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू लाइट। ऑब्वियस इज दैट व्हेन दे आर फंक्शनल इन डार्क इट अल्टीमेटली टेल्स अस दैट दे आर सेंसिटिव टू लाइट। थर्ड पॉइंट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट
इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ, किस चीज की वजह से क्या हो जाती है इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। फर्स्टली इनके पास जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते जाते हैं या वो इनहिबिशन हो जाती है। फर्स्टली हम यहाँ लिखते हैं किस तरह, फर्स्टली ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिशन हो जाती है यहाँ पर। सेकंड एमआरएनए डिग्रेडेशन हो जाती है यहाँ पर। थर्ड जो यहां पर हो जाता है वो है प्रोटियोलिसिस, मेन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स जो कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स हमें होते हैं उनकी भी डिग्रेडेशन हो जाती है। और एक पॉइंट जो मैं आपको फाइटोक्रोम टाइप ए के बारे में बोलना चाहता हूँ, इट्स मोस्ट अबेंडेंट फाइटोक्रोम ग्राउंड इन डार्क, मोस्ट अबेंडेंट फाइटोक्रोम जो कि ग्रो करता है ग्राउंड इन डार्क, जो कि डार्क में ग्रो करता है फाइटोक्रोम वो कौन सा है। टाइप फर्स्ट ये आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट इज हम कह सकते हैं इट्योलेटेड, इट्योलेटेड प्लांट्स में ये पाया जाता है। ठीक है ना, इट्योलेट मीन्स जो मैंने आपको बोला था डार्क लाइट में जो ग्रो करता है। ये क्या करते हैं, ऑल्सो ये रिसीव करते हैं फार रेड को, फॉर रेड लाइट को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसकी कौन सी है जो कि मैंने आपको बताया, फाइटोक्रोम ए। नाउ हम अब डिस्कस करते हैं किसको फाइटोक्रोम टाइप सेकंड जो हमारे पास है। टाइप सेकंड की बात अगर हम फर्स्टली करें तो स्टेबल इन लाइट, ये पहले ही हमें स्टेबल किस फॉर्म में मिलता है, लाइट में, ये होता है स्टेबल इन लाइट, ये लाइट में स्टेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट एंड ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स ग्रोइंग इन डार्क एंड नाइट एज वेल। जो प्लांट्स डार्क में ग्रो कर रहे हैं एंड नाइट में ग्रो कर रहे हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है, दैट्स कैन प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट अबेंडेंट होता है वो है फाइटोक्रोम बी, इनमें होता है मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, दे आर फोटो रिसेप्टर्स ऑफ, ये फोटो रिसेप्टर किसके होते हैं, ऑफ रेड एंड सॉरी रेड लाइट, ये फोटो रिसेप्टर होते हैं रेड लाइट के। ऑन द अदर हैंड जो हमने यहां पर देखा था ये फोटो रिसेप्टर होते हैं, दैट्स टाइप फर्स्ट, ये होते हैं फार रेड के। ठीक है ना, और एक पॉइंट जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो है, बाकी जो सभी यहां पर बचते हैं उनके एग्जांपल हैं फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम बी सी डी एंड ई। ठीक है ना, ये हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइटोक्रोम। अब ये जो फाइटोक्रोम होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन फाइटो क्रोमोस, फाइटोक्रोमोस आर प्रेजेंट इन टू फोटो रिवर्सिबल फोटो रिवर्सिबल फॉर्म्स, ये टू फोटो रिवर्सिबल फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं
कौन? फाइटोक्रोम्स। फोटो रिवर्सिबल मीन्स, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ ये फोटो रिवर्सिबल कैसे होते हैं। फर्स्टली ये जो होते हैं टू फॉर्म्स में मैंने आपको बताया, फर्स्ट फॉर्म होती है रेड लाइट, रेड लाइट अब्सॉर्बिंग, ठीक है ना, रेड लाइट अब्सॉर्बिंग, दैट इज हम कह सकते हैं 666 nm टू 670 nm, ठीक है ना, पी आर फॉर्म, दैट इज फाइटोक्रोम रेड, पी आर स्टैंड्स फॉर, पी आर स्टैंड्स फ्रॉम फाइटो क्रोम रेड। सेकंड फॉर्म जो इनकी होती है यहां पर बच्चे, वो कौन सी फॉर्म होती है? दैट इज फॉर रेड एब्जॉर्बिंग। सेकंड फॉर्म जो होती है फॉर रेड एब्जॉर्बिंग होती है, वो 720 से लेकर 730 तक हो सकती है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? पी एफ आर फॉर्म। पी एफ आर स्टैंड फॉर फाइटोक्रोम फॉर रेड, ठीक है ना, फाइटोक्रोम फॉर रेड फॉर्म में जो होते हैं, मीन्स ये आप टू फॉर्म्स में, फर्स्ट फॉर्म इज फाइटोक्रोम, फर्स्ट फॉर्म इज रेड एंड सेकंड फॉर्म इज फॉर रेड फॉर्म। अब मैंने आपको ऊपर बताया था ये क्या होते हैं, फोटो रिवर्सिबल होते हैं। फोटो रिवर्सिबल बच्चे ये कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, ये जो पी आर होता है दैट्स फाइटोक्रोम रेड लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये हो जाता है पी, सॉरी, पी एफ आर फॉर्म है, ठीक है ना। जब ये पी आर फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है पी एफ आर फॉर्म में, कैसे? जब ये क्या करती है? जब ये अब्जॉर्ब करती है लाइट को, ठीक है ना, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करती है पी आर फॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में? पी एफ आर फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये पी आर फॉर्म किस में होती है? ये डार्क में होती है, ठीक है ना, मीन्स डार्क में जो राइड लाइट होती है उसमें कौन सा हमारे पास होता है? दैट इज पी आर फाइटोक्रोम रेड। जब फिर ये मीन्स ऑन द ऑनसेट ऑफ लाइट, ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉर्निंग व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द प्लांट, सो क्या होता है? दिस पी आर गेट्स कन्वर्टेड इन टू पी एफ आर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिंपली वी कैन से दैट दिस पी आर फॉर्म इज इनएक्टिव। ये अब कौन सी फॉर्म होती है बच्चे? इनएक्टिव। अब ये जो पी एफ आर फॉर्म होती है ये एक्टिव फॉर्म हमारे पास होगी। अब कैसे एक्टिव फॉर्म होगी? मीन्स ये तो रात में काम कर रही है, ठीक है ना, दैट्स पी आर, ठीक है ना, पी आर के पास लाइट भी नहीं होगी उस वक्त, इसलिए ये इनएक्टिव रहता है। एंड क्या होता है? एट द ऑनसेट ऑफ लाइट और बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग क्या होती है? जब ट्रमेंडस लाइट आती है उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू पी एफ आर फॉर्म, दैट इज 732 या 720 nm लाइट को ये अब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर एंड एक्टिवेट हो जाएगा एंड प्लांट को क्या दिखाएगा? अपना रेस्पॉन्स। सेकेंड पॉइंट, ये जो पी एफ आर है एट द बिगनिंग ऑफ नाइट, दैट इज जब शाम हो जाएगी, ठीक है ना, जब नाइट स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाएगा पी आर फॉर्म में, मीन्स अब क्या है? देयर इज अ डिक्रीज, स्टीडली डिक्रीज इन द लाइट। जब आपको पता ही है जब 1 बजता है उसके बाद से थोड़ा थोड़ा लाइट क्या हो जाती है? डिक्रीज शुरू होना हो जाती है, इसी तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर पी आर फॉर्म में। सो यही मैंने आपको बोला, ये जो होते हैं टू फॉर्म्स ये फोटो रिवर्सिबल होती हैं, ये रिवर्सिबल होती रहती हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पर याद रखोगे, दैट इज फाइटोक्रोम्स और फाइटोक्रोम इज सिंथिसाइज इन दिस फॉर्म इन दिस सीडलिंग इन डार्क। इस फॉर्म में ये जो पी आर फॉर्म होती है ये सिंथिसाइज किसमें होती हैं? सीडलिंग्स में इन डार्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए हैं। अब ये जो पी आर फॉर्म है ये सिंथेसिस होती है फर्स्टली सीडलिंग्स में, कहाँ पर? इन डार्क में, ठीक है ना। एंड ये आपने याद रखा, ये क्या होती है? इट्स इनएक्टिव फॉर्म विच डज नॉट इनिशिएट एनी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स।
क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये कोई भी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं शो करेगी। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको क्या बताया, वो है द पीएफआर फॉर्म, दैट इज फॉर रेड लाइट अब्जॉर्बिंग फॉर्म। ये क्या करती हैं, ये एक्टिवेटेड फॉर्म हो जाती हैं ऑन, जब ये लाइट अब्जॉर्ब करती हैं तो ये पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पीआर एंड एक्टिवेट होती है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में जो आपको इसके बारे में बोलूं, ये एक्टिव फॉर्म होती हैं एंड ये इनिशिएट करती हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होती हैं, रेस्पॉन्स जो होते हैं उनको ये इनिशिएट करेगी, ठीक है ना। अब ये जो पीएफआर फॉर्म है ये दिखाएगी हमें यहाँ पर एक फिनोमिना जिसको हम कहते हैं डार्क रिवर्जन। डार्क रिवर्जन मीन्स जो मैंने आपको बताया, जबकि लाइट कम होगी फिर जब शाम का टाइम हो जाएगा उस वक्त ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, दैट इज पी आर फॉर्म में, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर पढ़ा फाइटोक्रोम के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, दैट्स ये फंक्शन कैसे करते हैं या फंक्शन इनकी क्या होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फाइटोक्रोम। द फर्स्ट फंक्शन इज इंडक्शन ऑफ सिटम इलांगेशन। सिटम इलांगेशन में ये हमें हेल्प करेंगी फर्स्ट। सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज प्रमोट्स इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। दे ऑल्सो प्रमोट्स फ्लावरिंग। थर्ड दैट इज लीफ सेनिसेंस। लीफ सेनिसेंस में हमें ये मदद करेंगे। फोर्थ इज लीफ एब्सिशन। लीफ एब्सिशन सीड दैट इज लीफ सेनिसेंस, ये सब मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं। सीड जर्मिनेशन। सिक्स्थ हियर इज दैट इज निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं उनमें से एक टाइप होती है निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स, इसमें ये हेल्प करता है हमें। सेवंथ है क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, ये करवाएगा। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। एट्थ जो हमारे पास है ये लीफ फॉर्मेशन में हमें मदद करेगा। ऑल्सो रेगुलेट्स, रेगुलेट ये क्या करेगा, साइज, साइज को ये रेगुलेट करेगा बच्चे, नंबर को ये रेगुलेट करेगा एंड शेप भी ऑफ लीव्स। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइटोक्रोम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट हेल्प्स इन ओवर ऑल मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है ना। ओवर ऑल मॉर्फोजेनेस में ये मदद करते हैं हमें कौन से। सो लेट्स डिस्कस नाउ द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब ये जो एक्शन हो रहा है इसका मैकेनिज्म क्या है दरअसल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस डिस्कशन का। हमारे पास मैकेनिज्म जो एक्शन होता है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है नेगेटिव रेस्पॉन्स एंड होता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स। क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज होते हैं हमारे पास। हियर फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द नेगेटिव रेस्पॉन्सेज, ठीक है ना, नेगेटिव रेस्पॉन्सेस। नेगेटिव रेस्पॉन्स अब जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्टली आपको पता ही है ये नेगेटिव रेस्पॉन्स जो होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ, हम कह सकते हैं डार्क होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, अंडर डार्क। ये जो नेगेटिव रेस्पॉन्स है ये ज्यादातर एक्टिवेट रहता है किसमें, डार्क में। बहुत इजी है, इजी से अंडरस्टैंड कर लेना।
अब क्या होता है, ये आपको पता ही है, डार्क में जो होता है फाइटोक्रोम इज सिंथेसाइज एज द इनएक्टिव पीआर, ठीक है ना? पता है हमारे इन डार्क में क्या होता है, ये जो फाइटो क्रोम होता है ये इनएक्टिव पी आर फॉर्म में सिंथेसिस होता है, ठीक है ना? सिंथेसाइज हो रहा होता है किसमें, पी आर फॉर्म में। अब क्या होता है इन डार्क में, ये जो एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं कॉप फर्स्ट, COP फर्स्ट। अब ये जो COP होता है ये क्या होता है, ये जो कॉप फर्स्ट है, कॉप फर्स्ट ये क्या है, इज E3 यूबीक्विटिन लाइगेस, यूबीक्विटिन लाइगेस, ठीक है ना? अब ये क्या है कॉप फर्स्ट, ये एक होता है E3 यूबीक्विटिन लाइगेस। ये क्या करवाता है, पहले मैं आपको कॉप फर्स्ट की इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, रिमेंबर से याद रखना। ये क्या करवाता है, ये करता है, ये इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व इन टारगेटिंग, ये टारगेटिंग करवाता है किनकी, फोटो मॉर्फोजेनेसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मैं आपको बोलूंगा वो कौन कौन सा होता है। लाइक हमारे पास होता है HY5, LAF फर्स्ट एंड HFR है, HFR फर्स्ट, ये इनकी डिग्रेडेशन करवा देता है, ठीक है ना? थ्रू अ पाथवे जिसको हम कहते हैं 26S प्रोटियोसोम, प्रोटियोसोम पाथवे। रिमेंबर, अब आपने याद क्या रखा, कॉप फर्स्ट। अब मैं कॉप फर्स्ट से डिस्कस ही करने जा रहा हूं। अब आपको जैसे मैंने बोला इन डार्क में क्या होता है, ये और एक पॉइंट में पहले ही आपको यहां पर बोल देता हूं, ये भी याद रखना, इन डार्क ये जो कॉप फर्स्ट होता है ये प्रेजेंट होता है कहां पर, न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इन ये कहां पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। एंड इन लाइट, लाइट में ये कहां पर प्रेजेंट रहता है, ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं, एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल ये या साइटोप्लाज्म में चला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यही फिनामिना अब हम यहां देखते हैं अच्छे से। अब क्या है ये जो कॉप फर्स्ट है, ठीक है ना? कॉप फर्स्ट ये इस वक्त मैं आपको किसकी बात कर रहा हूं, हम इन डार्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इन डार्क की बात कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये न्यूक्लियस से मूव होकर साइटोप्लाज्म की ओर चला जाता है, ठीक है ना? एंड ये क्या होता है, E3 UV क्वाइटिन लाइगेस होता है जो कि डिग्रेडेशन करवाता है कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की थ्रू है 26S प्रोटोसोम्स सोमल पाथवे। अब ये कॉप फर्स्ट जो होता है ये माइग्रेट फर्स्टली करता है, सपोज यहां पर ये मैं बना देता हूं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, रिमेंबर दिस इज न्यूक्लियस। ये यहां पर क्या है, ये हमारा यहां पर है साइटो प्लाज्म, ये यहां पर साइटोप्लाज्म है, यहां पर ये क्या है न्यूक्लियस है। अब ये क्या होता है कॉप फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ डार्क न्यूक्लियस में होता है मेन। अब ये माइग्रेट शुरू होना कहां पर हो जाएगा, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से होगा। एंड यहां पर ये जो इस वक्त पी आर की फॉर्म होगी ये क्या होगी, इनएक्टिव होगी, क्योंकि हमें पता ही है इन प्रेजेंस ऑफ डार्क ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब ये क्या होगा, ये पी आर फॉर्म यहाँ पर क्या है, इनएक्टिव है। एंड ये कॉफ वन अब मीन्स डार्क हो रही है, अब ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर आएगा। अब ये कॉप फर्स्ट जो है ये यहाँ पर होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ मिलकर, SPA फर्स्ट, रिमेंबर रखना, SPA फर्स्ट एंड कॉप फर्स्ट क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है ना?
ये क्या बनाएंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने पहले ही आपको बताया जो कॉ फर्स्ट होता है ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेस होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करवा देता है, ये यही E3 यूबिक्विटिन लाइगेस टैग्स लगा देता है, ठीक है ना। अब हम ऐसे बोल सकते हैं ये अब टैग्स लगा देगा किस पर, जो ही ये एंटर होता है न्यूक्लियस में, ये अब टैग्स लगा देगा किस पर, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं LAF फर्स्ट, इसी तरह हमारा सेकंड होता है HY5 होता है हमारे पास, इसी तरह और एक होता है HFR फर्स्ट। मैं आपको बोलूंगा HFR फर्स्ट, ये क्या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं। अब क्या होगा, जो ही ये कॉ फर्स्ट साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आया, सो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है SPA फर्स्ट से। SEA फर्स्ट क्या करता है, ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स जब बना देते हैं, ये यूबिक्विटिन E3 यूबिक्विटिन दैट इज लाइगेस टैग्स लगा देते हैं इन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के। जब इन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स पे ये टैग्स लग जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये तीनों ही ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, ये तीनों ही ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना, इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। डिग्रेड कैसे हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं मैंने आपको बताया था 26S प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे। इस पाथवे के थ्रू ये डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, इन डार्क का फर्स्ट माइग्रेट्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, देन इसके बाद ये क्या करेगा, एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद SPA फर्स्ट, एंड इसकी वजह से क्या बन जाता है, ये मोर एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाएगा, मोर एक्टिव, ठीक है ना। देन कॉ फर्स्ट एंड SPA कॉम्प्लेक्स कंस्टेंटली डिग्रेड दी फोटोमॉर्फोजेनिक प्रोमोटिक दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो फोटोमॉर्फोजेनिस करवाते हैं इन कोई यूबिक्विटिन टैक्स लगा देते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये डिग्रेड हो जाते हैं वाया 26S प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन पाथवे, ठीक है ना। अब नंबर सेकंड जो हमारे पास नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं पिप्स, PIFS। ये पिप्स क्या होते हैं, दैट इज फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। ये फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं RBHLH, दैट इज BHLH क्या होता है, बेसिक बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स। ये बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स क्या होते हैं, ये भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं पिफ्स जो होते हैं, ये फाइटोक्रोम इनएक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि होते हैं BHLH, दैट्स बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स। बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स क्या होती हैं, ये इनकी डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती हैं ये इनकी, ठीक है ना। अब ये क्या, ये भी कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जो कि क्या करवाएंगे, जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहांस करते हैं एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रिड्यूस करवाते हैं, कैसे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये उतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पर हमारे पिफ्स हैं, ठीक है ना, PIFS, PIFS मीन्स जो मैंने आपको बताया फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स, ये क्या करेंगे, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द न्यूक्लियस, यहां पर ये एक्यूमुलेट हो गए। जब ये न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये अपने जीन्स को एक्टिवेट करवा देंगे, या ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं लाइक PIF3, ठीक है ना, कौन सा होता है ये, PIF3।
अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये PIF3 क्या है, ये स्कॉटो मार्फो जिनेसिस को क्या करते हैं, इंड्यूस करवा देते हैं, एंड जो फोटो मार्फो जिनेस है उसको क्या करवा देते हैं, उसको ये स्लो करवा देते हैं या रिड्यूस करवा देते हैं, ठीक है ना। अब ये पिफिस क्या है, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर है, ये क्या करवा दे रहे हैं, न्यूक्लियस में एकोमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीनेस जो एक्टिवेट हैं स्कोटोमार्फो जीनेस के वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड हैनस स्कोटोमार्फो जीनेस को वो इनिशिएट करते हैं। अब ये स्कोटोमार्फो जीनेस क्या होता है, स्कोटोमार्फो जीनेस जैसे मैंने बताया, जब प्लांट अंडर डार्क ग्रो होता है, दैट्स इटियोलेटेड ग्रोथ होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इलांगेटेड हाइपोकोटाइल होता है प्लांट का, मैंने बोला था क्लोज्ड कॉटलीडन होते हैं, एपिकल हुक होता है, पैल येलो लीव्स होते हैं। इसी तरह ये जब इसके भी ये जीन्स इनके साथ बाइंड हो जाते हैं एंड स्कोटोमॉर्फो जीनिस को ये इनिशिएट करते हैं, इस तरह से क्या हो जाती है, कॉफस्ट एंड PIFs क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर स्कोटोमॉर्फो जीनिस को इनहांस करते हैं एंड ये बन जाते हैं नेगेटिव रेगुलेटर्स ऑफ फोटोमॉर्फो जीनिस। इसी तरह हमारे पास अब सेकेंड है जो कि पॉजिटिव रेगुलेटर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दैट इज पॉजिटिव रेगुलेटर्स। अब ये जो पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं, फर्स्टली हमारे पास है फाइटोक्रोम्स, प्लस हमारे पास ट्रांसक्रिप्शनल जीन्स होते हैं लाइक HY5। इसी तरह दूसरा होता है उसे हम कहते हैं LAF1। इसी तरह हमारा और एक होता है उसे हम क्या कहते हैं HFR1, जिनको हमने पहले वाले में देखा था ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या थे, ये बेचारे इनहिबिट हो जाते थे, एंड ये क्या है, ये हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। अब HY5 क्या होता है, इसे हम कहते हैं इलांगेटेड हाइपोकोटाइल 5, इलांगेटेड हाइपोकोटाइल 5। इसी तरह LAF क्या होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग आफ्टर फार रेड लाइट, लॉन्ग आफ्टर फार रेड लाइट फर्स्ट, एंड इसी तरह और एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जिसे हम कहते हैं लॉन्ग हाइपोकोटाइल, लॉन्ग हाइपोकोटाइल इन फॉरेड, इन फॉरेड फर्स्ट। ये कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स एंड प्लस फाइटोक्रोम, ये क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर्स। अब हम जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये मैकेनिज्म अब होगा कैसे। अगेन हम चलते हैं, फिर बनाते हैं यहां पर, ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा क्या न्यूक्लियस, एंड ये क्या है साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमको पता ही है ये जो फाइटोक्रोम्स होते हैं, ये फाइटोक्रोम्स होते हैं, ये फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, दैट इज PFR, ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये एक्टिव होते हैं। हम सबको पता ही है ये जो फाइटोक्रोम होता है ये साइटोप्लाज्म में जब होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, दैट्स PR फॉर्म में, जबकि इस पर सनलाइट पड़ती है ये PFR फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। जब इस पर रेड लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है मीन्स इस पर जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होती हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने एपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर पहले पढ़ा था। अब ये सुकेंस मैंने क्या बताया था, ये डायरेक्ट करती हैं इस फाइटोक्रोम को साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब यही दैट इज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सुकेंस क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं एंड ये डायरेक्ट करवा देती हैं इस फाइटोक्रोम को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू, और इसकी वजह से ये क्या करवा लेता है, ये खुद को फास्फोराइलेट करवा लेता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्या होता है R2 फास्फोराइलेट, ये होता है R2 फास्फोराइलेट होता है ये।
और टू फॉस्फोराइलेट करवा देता है ये सीरीन काइनेस रेसिड्यू। जब ये खुद को ऑटो फॉस्फोराइलेट करवा लेता है सीरीन काइनेस रेसिड्यू से, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये फाइटोक्रोम अब यहाँ से चले आता है कहाँ, न्यूक्लियस में, ठीक है ना, ये यहाँ से आ जाएगा किधर, न्यूक्लियस में। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज फाइटोक्रोम। अब पहला जो पाथवे आपको मैंने बोला था, जो कि हमने देखा था, फर्स्ट पाथवे, ये पीएफआर फर्स्ट फॉर्म में क्या करेगा, फर्स्ट रेस्पॉन्स अगर हम इनका देखें तो ये क्या करवा देता है, ये यहां पर एक्टिव होगा, ठीक है ना। अब ये पीएफआर यहां से क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ये फॉस्फोराइलेट हुआ है खुद, ये फॉस्फोराइलेशन करवा देता है किनकी, पिफस की, पिफस जो मैंने आपको बोला था, ये कुछ ऐसे जीन्स हैं फाइटोक्रोम इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, स्पेशली फाइटोक्रोम इनहिबिटिंग फैक्टर 3, इनकी ये फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो पिफस हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये पिफस हो जाएंगे डिग्रेड थ्रू अ पाथवे जिसको हम क्या कहते हैं, 26S प्रोटियोसोम पाथवे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो यहां पर ये पिफस हैं इनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, ये पिफस जो हैं इनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है ना। जब इन पिफस की डिग्रेडेशन, इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ जो सुकोटोमॉर्फोजिनिस होती हैं, सुकोटोमॉर्फोजिनिस वो क्या हो जाती है, इनहिबिट, एंड ये जो दैट इज फोटोमॉर्फोजिनिस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं या एक्टिवेट हो जाती हैं। सिंपली क्या हुआ, जब ये फाइटोक्रोम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आया, इसने बाइंड किया किसके साथ, पिफ जीनस के साथ, पिफ जीनस क्या हो गए, एक्टिवेट हो गई, दैट्स फॉस्फोराइलेट हो गई, सॉरी, जब ये फॉस्फोराइलेट हो गए फिर इनकी डिग्रेडेशन हो गई वाया 26S प्रोटियोसोम पाथवे। ये एक तरफ से इन फाइटोक्रोम ने फंक्शन किया। दूसरी तरफ से जब ये फाइटोक्रोम न्यूक्लियस में आ जाता है, ठीक है ना, सपोज अगेन ये फाइटोक्रोम यहाँ से दूसरा पाथवे अगर हम देखें, ये फाइटोक्रोम का, ये फाइटोक्रोम किधर आ गया, न्यूक्लियस में। जब ये न्यूक्लियस में आ गया, फाइटोक्रोम ने क्या काम किया, ये पहले तो फास्फोराइलेट खुद हुआ ही हुआ है, देन ये क्या काम करेगा, जब ये फास्फोराइलेटेड फाइटोक्रोम जो ही ये न्यूक्लियस में पहुंचता है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, ये जो कॉप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड SPA फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो था, ये डिग्रेड हो जाते हैं, या हम इनको क्या कहते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ये कॉ फर्स्ट माइग्रेट कर जाता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब ये कॉ फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये SEF1 यू जो है ये न्यूक्लियस में ही रहता है, SPA फर्स्ट, लेकिन ये क्या है, ये अब इनएक्टिव होता है यहाँ पर, इनएक्टिव, क्योंकि ये एक्टिव तभी होता है व्हेन इट गेट्स बाइंड विद द कॉ फर्स्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कॉ फर्स्ट दैट इज फाइटोक्रोम होते हैं, ये एक्टिवेट करवा देते हैं अपने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो कि होते हैं HY5, इसी तरह मैंने आपको बोला था LAF फर्स्ट, इसी तरह मैंने और एक आपको बोला था HFR फर्स्ट। ये कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जो कि क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, इनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं, देन ये क्या करते हैं, देन ये फोटो मॉर्फो जिनिसिस को क्या करते हैं, इनिशिएट करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, इनिशिएट किसको, फोटो मॉर्फो जिनिसिस। सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमने यहाँ पर क्या देखा, फोटो एक्टिवेटेड फाइटोक्रोम PFR गेट्स ऑटो फॉस्फोराइलेटेड एंड माइग्रेट इन टू द न्यूक्लियस। आफ्टर दैट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट
PFR promotes photo that's phosphorylation of PIFs, followed by their degradation via ubiquitin 26S proteasomal pathway, which inhibits scotomorphogenesis and promotes photomorphogenesis. In presence of light, PFR interacts with COF1 and SPA1 complex and causes their dissociation, which in turn inactivates COF1. So it transported from न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, लाइक हियर, ये न्यूक्लियस है फिर साइटोप्लाज्म में चला जाता है. दिस प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ HY5, LAF1 एंड HFR1. दीज आर सम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स विच इन टर्न इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ लाइट रेस्पॉन्स जीन्स. ये यहाँ पर एक्टिवेट करवा देते हैं लाइट जो होते हैं हमारे लाइट रेस्पॉन्स जीन्स, उनको ये क्या करवा देते हैं, एक्टिवेट करवा देते हैं एंड प्रमोट्स फोटो मॉर्फोजेनेसिस. एंड दिस वाज द होल अबाउट द फाइटोक्रोम. उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, सिंथेसिस देखी, डिस्कवरी देखी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.